हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK टेक पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप स्टेटस प्राइवेसी की सेटिंग कैसे करते हैं। यानी आप स्टेटस जो लगाते हैं वो आपको सभी व्यक्ति को नहीं पहुंचाना चाहते हैं आप, या आप जिसे चाहें केवल वही व्यक्ति आपके स्टेटस को देख सकता है। तो ये सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप में जो भी स्टेटस लगाएं वो केवल वही व्यक्ति देखे जिसे आप दिखाना चाहते हैं, या फिर आप दो चार व्यक्तियों से, यदि अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में दो चार व्यक्तियों से आप स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो ये आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टेटस पे आ जाना है। स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ पे, यदि व्हाट्सएप में प्राइवेसी लगाना चाहते हैं तो आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस प्राइवेसी यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन, तो स्टेटस प्राइवेसी पे हम क्लिक कर देंगे। स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि माय कॉन्टैक्ट और एक माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट और ओनली शेयर विद। तो सबसे पहला है माय कॉन्टैक्ट। तो माय कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि हम जो भी स्टेटस लगाएंगे वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर सेव हैं वो सभी के पास स्टेटस जा सकता है। तो जनरली यही वाला रहता है सेव कि माय कॉन्टैक्ट। और यदि आपका कॉन्टैक्ट में बहुत सारा लिस्ट है, बहुत सारा है, 400-500 कॉन्टैक्ट है, आप यदि उसमें से 4-5 व्यक्तियों को आप यदि नहीं दिखाना चाहते अपने स्टेटस को, तो इसके लिए आपको यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा जितना भी पूरा लिस्ट खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पे दिखा रहे कि हाइड स्टेटस फ्रॉम, यानी आप किस व्यक्तियों से उस स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा स्टेटस होता है जो आप किसी व्यक्तियों से हाइड करना चाहते हैं, 2, 4, या 10 व्यक्तियों से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा बहुत सारा व्यक्ति है, जहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला 2-3-4 स्टेटस मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, जिससे हम अपने स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे स्टेटस को ना देखे, तो इसके लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन वाला बटन, तो इसके बाद हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया, यानी हम जो भी स्टेटस लगाएंगे वो सब हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर से हैं वो सभी पर जाएगा, लेकिन जिस 4-5 को हमने सेलेक्ट किया था उस 4-5 को छोड़ करके, वो 4-5 पर मेरे स्टेटस को नहीं जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे स्टेटस को जितने भी मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से केवल 4-5 लोग ही देखे, या फिर आप जिस व्यक्ति, जैसे कि आप किसी का बर्थडे है तो उसके लिए आपने स्टेटस लगाया है और आप चाहते हैं कि केवल आप वही आपके स्टेटस को देखे, तो इसके लिए आपको ओनली शेयर विथ पे क्लिक करना है। तो ओनली शेयर विथ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा में बहुत सारा ऐसा लिस्ट है जिसमें हम सेलेक्ट किया हुआ है कि हम इसको शेयर करना चाहते हैं, तो हम इसी के साथ। तो यहाँ पे आप यदि ओनली शेयर विथ करना चाहते हैं जिसमें मेरा बहुत सारा सिलेक्शन किया हुआ है पहले से, और यदि आप चाहते हैं कि इसमें से आपको कोई 2-3 ही देखे, तो इसको आपको केवल इस सभी को हटा देना और केवल 2-3, जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये अर्जुना 30 आज़ाद, इस एकेडमी अजमत खान, ये ही तीनों मेरे स्टेटस को देखे, तो इस तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको फिर ये ग्रीन वाला बटन दिख रहा होगा, इसको आपके यहाँ पे फिर से डन कर देना है। तो डन कर देना है, इसके बाद फिर डन होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, सेटिंग अपडेट हो गया और मेरा स्टेटस अभी जो हम लगाएंगे तो मेरा जितना भी सिलेक्शन किए थे तो केवल उसी व्यक्तियों के साथ मेरा स्टेटस शेयर होगा और किसी के साथ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस की प्राइवेसी लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।